हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि मैंने वीडियो पार्ट वन ए के नाम से अपलोड की है। उसी के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। कुछ रीजन से फर्स्ट वीडियो में मैं इसको कम्प्लीट नहीं कर पाई, तो अभी हम बचे हुए क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट टू के नाम से जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखी है पार्ट वन ए के नाम से जो हमने अपलोड की है, वो वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से कवर अप करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं है, ये पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कंसीडर करते हुए आंसर्स या सॉल्यूशंस आपको समझाना चाहती हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और ये होप करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम जस्ट रिजॉल्व कब कहते हैं। ठीक है, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख पाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जस्ट रिजॉल्व। अब सेपरेटली का क्या मतलब होता है, जैसे ये दो डॉट में दो पॉइंट जो शो कर रही हूं, ये 3 पोजिशन मैंने बनाई है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमें बहुत छोटा सा सेपरेशन इनके बीच में दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए दिस इज थर्ड कंडीशन, जब हमें ये दोनों पॉइंट्स सिंगल नजर आ रहे हैं। ये कब होता है, जब हम इनसे अपना डिस्टेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं तो हमें ये सिचुएशन नजर आएगी, फिर ये नजर आएगी। मतलब दो ऑब्जेक्ट सिंगल नजर आएंगे अगर हम उससे बहुत ज्यादा दूर हो गए, और ऐसी वाली कंडीशन होगी एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर, और ऐसी वाली कंडीशन उससे ज्यादा पास आने पर हमें दिखेगा। तो हम ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है ना, जिसमें जस्ट रिजॉल्विंग वाली कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको डेफिनेशन नोट करनी है। और सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि रिजॉल्विंग पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे इंक्रीज की जा सकती है, और उसके लिए आप अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए रेलिवेंट फॉर्मूला भी दें। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बहुत ही अच्छे से आप कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार बनता ही है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करें, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो हम फॉर्मूला नोट करते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2n साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। n है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल व्हिच इज फिल्ड इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, थीटा होता है अपर्चर। बेसिकली ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से कितने एरिया में रेज जो है लेंस पर इंसिडेंट हो सकती हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला जो एंगल है वो थीटा बनता है। तो अगर नीचे वाला भी लेंगे तो 2 थीटा कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये थीटा एंगल होता है। लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो भी लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर को अगर हमें इंक्रीज करना है तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। एक की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो यहां से यहां के बीच में जो चेंबर बनाकर हमने मीडियम फिल किया हुआ है, आई होप आपने ये वाला टॉपिक थ्योरी में किया होगा, उस चेंबर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है अगर बीच में मीडियम आ जाता है। ठीक है, एयर की जगह अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम होगा तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ मीडियम में किसी में होती है लैम्डा ए अपॉन एन के इक्वल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ कम हो जाती है क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का मोर देन 1 होता है, इसीलिए जो एयर में वेवलेंथ होगी उससे ये जो वैल्यू है लैम्डा एल की या मीडियम की
वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए ये सेकेंडरी चीज है, बट ध्यान रखना है आपको कि वेवलेंथ कम करने से रिजोल्विंग पावर बढ़ सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से रिजोल्विंग पावर बढ़ सकती है, और थीटा के इंक्रीज करने से भी बढ़ सकती है। बट अगर हम थीटा बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ाने की बजाय हम ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं, और ऑब्जेक्ट पास नहीं आ सकता, एफ के अंदर नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के एफ के अंदर नहीं आ सकता, तो एफ ही छोटा ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि थीटा छोटा बड़ा करना मतलब ऑब्जेक्ट को पास लाना, और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ रहे इसके लिए एफ ओ छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्मॉल क्यों लिया जाता है, टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आता है अच्छे से, कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, मतलब कलर्स का डिफेक्ट नहीं होता, कलर्स नहीं आते हैं इमेज में, और रिजोल्विंग पावर लार्ज हो जाती है, और ये लाइट इन वेट और इजी टू हैंडल होते हैं। तो आप कोई भी दो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है इसलिए कलर नहीं होता, क्योंकि कलर आने के लिए रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, और रिफ्रैक्शन होता नहीं है इसमें, ठीक है। और स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, इसलिए जो ब्राइटनेस होती है इमेज की वो भी ज्यादा होती है। तो आप ये रीजंस दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जब आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर राइट में होगा और सेकेंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट में होगा, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन अगर हम ये माने तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस जो आप लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और सेकेंड सरफेस के लिए क्योंकि उल्टा आना पड़ेगा ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज डायरेक्शन, तो आप नेगेटिव लेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ अ लेंस विद वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब हमें एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है जो पावर ऑफ लेंस और वेवलेंथ को रिलेट करे, ठीक है। तो जब भी वेवलेंथ की बात आए, आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस की बात हो रही है ना, तो रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए आप। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर एंड पावर इज रिलेटेड टू n बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पावर जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो पावर भी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कर्व्ड बनेगा, और आप ये लिख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। एग्जैक्टली फॉर्मूला ये होता है जो रिलेट करता है वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, मेंशन देयर वन एप्लीकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है और उनका एक एप्लीकेशन, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई एक एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है, और ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एक एप्लीकेशन है। तो ऑप्टिकल फाइबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वैसे इसमें मैटर क्या लिखना है, ये मैटर मैंने यहाँ पर बता दिया है और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यूजली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता कि क्या मैटर हमने देना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वार्ट्स का पाइप होता है, इसके जो सराउंडिंग होती है या कोटिंग होती है, वो कोटिंग हमेशा लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ली जाती है, सो दैट कि ये कॉम्बिनेशन बने कि डेंसर से रेयरर लाइट जाए। और हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट का इंसिडेंट होना जरूरी है डेंसर से रेयरर वाले इंटरफेस पर, तभी TIR हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी मैटर आप इसमें से देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का एक एप्लीकेशन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर से लाइट को बेंड किया जा सकता है, इसी वजह से ये लाइट को ट्रांसमिट करने के काम आती है एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा फायदा ये भी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एनर्जी लॉस होता है दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आप ये मैटर यहाँ से देख लें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करें कि हमें ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जो है उसके क्वेश्चंस हमारे प्रिपेयर हो गए हैं, और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। बाकी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।